क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको आज के खेल में ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 400 लाइक है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पांचवे और अंतिम दिन भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। इस तीसरे टेस्ट मुकाबले के अंतिम दिन की सुबह भारतीय टीम ने 98 रनों से आगे खेलना शुरू कर दिया। भारतीय टीम के लिए पांचवे दिन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा इस पांचवे दिन अपनी टीम को कोई अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए और केवल 4 रन बनाकर भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे को नथन लय ने मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट कराया। यहां से सभी को लगा कि अब भारतीय पारी डगमगा जाएगी और विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को तो कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, ऋषभ पंत भारतीय टीम की पहली इनिंग में गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे, जिसके चलते ऑस्ट्रेलियाई टीम को दूसरी इनिंग में रिद्धिमान साहा को बतौर विकेट कीपर उतारना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम को मुश्किल हालातों में देखते हुए चोटिल ऋषभ पंत ने इस भारतीय टीम की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और धमाकेदार 97 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। दोस्तों, ऋषभ पंत ने शुरुआत में तो संभली हुई बल्लेबाजी करी और जब आंखें सेट हो गई तब उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम का कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जो ऋषभ पंत के इस तूफान को रोक सकता था। ऋषभ पंत ने महज 64 गेंदों में अपना अर्धशतक भी इसी दरमियान पूरा कर लिया। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों को अपना निशाना बनाते हुए चौके छक्के जड़े, वह इस टेस्ट मुकाबले को एक तरफा भी बना दिया। ऋषभ पंत ने लंच ब्रेक तक भारतीय टीम को 106 रनों के पार पहुंचा दिया और भारतीय टीम को जीत के लिए 201 रनों की आवश्यकता थी। तब यहां से ऋषभ पंत भी सेट हो चुके थे। वहीं इसी बीच उनके साथी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों की बल्लेबाजी को देखते हुए मानो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को एक तरफा ही जीत लेगी, लेकिन दोस्तों इसी बीच ऋषभ पंत के रूप में भारतीय टीम को चौथा और सबसे बड़ा झटका लगा। सेट हो चुके ऋषभ पंत ने केवल 118 गेंदों में 97 रनों की धमाकेदार पारी खेली। ऋषभ पंत ने 12 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के चढ़े। ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद मानो भारतीय टीम एक एक रन के लिए तरसती दिखी और इसी घटते रन रेट के चक्कर में चेतेश्वर पुजारा को भी जेस हेजलबुल ने क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। अब यहां से जीता हुआ यह मुकाबला भारतीय टीम हारती हुई दिखाई दे रही थी। अब भारतीय टीम सिर्फ और सिर्फ इस मुकाबले को ड्रॉ करने की तरफ देख रही थी, लेकिन यह मुकाबला ड्रॉ कराना भी ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के आगे नामुमकिन के बराबर दिख रहा था। लेकिन रविचंद्रन अश्विन और हनुमा बिहारी ने एक बेहतरीन डिफेंस बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को ड्रॉ की तरफ धकेल दिया। दोस्तों, हनुमा विहारी ने तो अपनी इस पारी में 100 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए। इससे अब भारतीय लोअर ऑर्डर की डिफेंसिव बल्लेबाजी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ऋषभ पंत की पांचवें दिन की बल्लेबाजी कैसी लगी और आप ऋषभ पंत की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, आप अपनी राय नीचे कॉमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।